नमस्कार, फेस्टिव फूड रेसिपीज़ में मैं सौम्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े आर्किटेक्ट जो कि हैं भगवान विश्वकर्मा, उनका जन्मदिवस। आज विश्वकर्मा पूजा के लिए मैं बना रही हूँ गुलदाना। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये सुनिए, एकदम क्रिस्पी करारी बूंदी बनके तैयार होगी। टेक्सचर देख के आपको समझ में आ रहा होगा और मैंने इसको बिना किसी झारे के तैयार किया है। ये गुलदाना हम बिना बेसन के बनाएंगे और दाल से तैयार करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे परफेक्ट पहली बार में ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी गुलदाना आप घर में बना पाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरीके की फेस्टिवल स्पेशल रेसिपीज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं हमारे गुलदाना की रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ली है 2 कप चीनी और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो रेशियो आपको ऐसे रखना है कि जितनी आप चीनी ले रहे हैं उसका जस्ट आधी क्वांटिटी में आपको पानी लेना है। अब हम इसको गैस पर रख देते हैं उबलने के लिए। ये देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है और हमारी चीनी भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े चम्मच इतना लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। ऐसा करने से चाशनी वापस से जमेगी नहीं और इसमें जो चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं वो भी नहीं आएंगे। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर एक इलायची इस तरीके से खोल के ऐड कर रही हूँ उसके बीच के साथ, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया है इसमें ताकि ये बिल्कुल मार्केट वाला इसमें कलर आए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप नहीं पसंद करते हैं तो आप बिना कलर के भी इस बूंदी को बना सकते हैं। तो ये देखिए, चाशनी में उबाल आ गया है। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। हमें यहाँ पर इसके लिए अच्छी चिपचिपी चाशनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए और ना ही इसमें कोई प्रॉपर तार बनना चाहिए। देखिए, इसमें प्रॉपर चिपचिपाहट है, सिर्फ कोई तार वार नहीं बन रहा है। बस इसी मोमेंट पे हम गैस के बंद कर देंगे और इस चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर ली है 1 कप उड़द की दाल। ये धुली हुई उड़द की दाल है जिसको मैंने इस 250 ml वाले कप से नाप करके और रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। आपके पास अगर समय कम है तो आप इसे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दीजिए ताकि दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, दाल का दाना अच्छी तरह से टूटना चाहिए, इतनी देर के लिए आपको इसे सोक करना है। और दाल का जितना भी पानी है वो सारा मैंने निकाल दिया है और इसको अच्छी तरह से पानी से एक बार धुल लिया है। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर पीसने के लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं दाल को ऐड कर दूंगी। दाल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहे ऐड करें, अगर ज़्यादा आप बना रहे हैं, और चाहे तो एक साथ भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड करते समय अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो 2-2 चम्मच जितना पानी डालें और इसको ग्राइंड करें। अगर ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते जाइए। देखिए, हमें इस तरीके का थिक पेस्ट तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे गीला, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। गुलदाना के लिए जब भी दाल को पीसा जाता है तो एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार किया जाता है। देखिए, कुछ इस तरह से, इसमें कहीं पर भी कोई आपको दाना नहीं दिख रहा होगा, अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी है। यहाँ पर सारी दाल को मैंने पीस लिया है। अब हम इसे एक साइड रख लेते हैं और इसे हम बाकी की प्रोसेसिंग इसकी आगे बाद में स्टेप में करेंगे। तो इसी तरीके से मैं इसको साइड रखती हूँ और आगे हम लेते हैं एक दूसरा बोल और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 कप मैदा। यहाँ पर भी जो मैंने कप यूज़ किया है वो 250 ml वाला कप है। आप चाहें तो किसी कटोरी को सेट कर लीजिए, उससे नाप ले लीजिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप जितना पानी और पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इसका एक बिल्कुल स्मूथ घोल तैयार कर लेंगे। मैदे को धीरे धीरे करके एक की डायरेक्शन में विस्क करते जाएं और इसे एक स्मूथ बैटर में कन्वर्ट कर लें। इस बूंदी में कभी भी बेसन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस मैदे की जगह पर थोड़ी क्वांटिटी में बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 1/2 कप बेसन और 1/2 कप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हमने जो दाल पीस कर रखी है उसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जैसे नॉर्मली हम वड़े वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से हमें दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। आप इसके लिए विस्कर का यूज़ कर लें, चाहे चम्मच की मदद से जैसे मैं फेंट रही हूँ ऐसे फेंट सकते हैं, और चाहे तो आप इसे मिक्सी में भी दोबारा से डाल करके और 1 से 2 बार अच्छी तरह से पल्स पर के करके चलाएँगे तो भी दाल बहुत अच्छी तरह से फिट जाती है। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करना पसंद करते हैं। दाल हमारी अच्छी तरह से फिट गई है या नहीं, अच्छी तरह से ये फ्लफ़ी हुई है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम छोटा सा टेस्ट करेंगे।
एक बोल में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें एक ड्रॉप इस तरीके से डालेंगे जो हमारा दाल का बैटर है। और ये देखिए, ये ऊपर अच्छी तरह से तैरना चाहिए, ये नीचे नहीं बैठना चाहिए तले में। और ये अच्छी तरह से देखिए ऊपर तैर रहा है और ना ही ये पानी के साथ मिक्स हो रहा है, इसका मतलब दाल हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फ्लफ़ी हुई है। अब हमारी जो दाल है इसमें हमने जो मैदा घोल करके रखा था वो सारा हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। मैदे को एक बार चला लेंगे और इस तरीके से हम इसी बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब हमें दाल और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन ध्यान रखिए जिस डायरेक्शन में हमने दाल को फेंटा है उसी डायरेक्शन में फेंटते हुए हम इस मैदे को इसके साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि दाल जो है वो हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है और अगर आप इसे अच्छी तरह मिक्स नहीं करेंगे तो दाल जो है फिर से बैठ जाएगी और उतना बढ़िया जो टेक्स्चर है वो आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए उसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए मैं इस मैदे को इसके साथ मिक्स कर लूँगी। आप ये काम हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो एक स्पून की मदद से इस तरीके से फेंट लीजिए। तो ये देखिए दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी और बहुत ही बढ़िया से इसका टेक्सचर हो जाएगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, तो क्योंकि काफ़ी घोल अभी काफ़ी ज़्यादा थिक है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और फिर से मैं इसी तरीके से उसी डायरेक्शन में चलाते हुए इस पानी को भी मिक्स कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर डाला है, मैंने यहाँ पर येलो और रेड कलर दोनों मिक्स करके डाला है क्योंकि मैं बढ़िया सा ऑरेंज कलर चाहती हूँ बूंदी में। अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो कलर मत डालिएगा। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है, काफ़ी थिक लग रहा है अभी मुझे, तो मैं इसे थोड़ा सा पतला करूँगी और पतला करने के लिए आप इसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा एक साथ मत डालिएगा। अगर बैटर ज़्यादा गीला हो गया तो फिर आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसमें सबसे एंड में हम डालेंगे बिल्कुल एक चुटकी जितना बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला मीठा सोडा। और देखिए मैंने पानी डाल के इसको कुछ इस तरीके से इतना पतला कर लिया है। इससे ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं होना चाहिए वरना बूंदी अपने आप नीचे नहीं गिरेगी, और इससे ज़्यादा पतला होगा तो बूंदी का जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप इसे स्पून से गिरा रहे हैं तो एक तार जैसा बन रहा है। बैटर बिल्कुल तैयार है, फटाफट से हम कढ़ाई में एक ऑयल गरम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है, ये मीडियम गरम हो चुका है और जब आप बैटर डालकर देखेंगे तो ये एकदम से फूल करके ऊपर आना चाहिए। इस तरीके का मीडियम गरम ऑयल हमें इसके लिए चाहिए। अब हम इसे बिना झारे के बना रहे हैं, तो इसके लिए जो घर में इस तरीके की छन्नी होती है जो हम पूड़ी वगैरह छानने के लिए यूज़ करते हैं, यही हम यूज़ करेंगे और इसके ऊपर बैटर डालेंगे। और देखिए बैटर कितनी आसानी से नीचे जा रही हैं बूंदियाँ, और बहुत ही इजीली ये निकल जाती है और देखिए हर एक बूंदी प्रॉपर गोल शेप में आ रही है। तो इस तरीके से आप इस बात का ध्यान रखें कि बैटर इतना पतला हो जिससे वो आसानी से टपक सके, और जितना बैटर गिर रहा है नीचे बस उतना ही हम इसे गिराने देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा शेक नहीं करना है और ना ही इसे स्पून से ऊपर से चलाना है वरना शेप बूंदी का ख़राब हो जाता है। तो बस जितनी बूंदी आसानी से गिर रही है बस उतनी गिरने दीजिए, दोबारा भी बैटर मत डालिए इसके ऊपर, जितना एक बार में डाला है बस उतना ही इसे बनने दीजिए। और उसके बाद वापस से इस झारे को, यानी कि जो ये छन्नी है इसको एक बार क्लीन कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर बैटर डालिए। तो यहाँ पर देखिए बूंदी आपको दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया से गोल गोल बूंदी बन के तैयार हुई है, और ये थोड़ी छोटे साइज़ की है, मैं आपको थोड़े बड़े साइज़ की बूंदी भी बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो मिस्टेक हम लोग करते हैं कि नॉर्मली इसे स्पून से इस तरीके से चलाने लगते हैं, अब देखिए ये ऐसे चलाने से क्या होता है, जो बूंदी है उसमें छोटी सी ऐसी टेल जैसी बनने लगी है और बूंदी का प्रॉपर गोल शेप नहीं आ पाता है। अब मैं आपको बड़ी बूंदी बनाने का मेथड बता रही हूँ। जैसे आपके घर में इस तरीके का कद्दूकस हो तो आप उससे बूंदी डालेंगे तो उससे थोड़ा सा बड़ा शेप आता है, अगर हम कंपेयर करें जो हमने पहले वाला जो छारा इस्तेमाल करा था यानी जो छानी यूज़ की थी उसकी कंपैरिजन में इस तरीके कद्दूकस से थोड़ी सी बड़ी बूंदी उतरती है। और जो गुलदाना होता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा ही बनता है, देखा होगा आपने मार्केट में तो काफ़ी बड़ा बड़ा बनता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए जो हमने कद्दूकस से बनाई है वो भी कितनी बढ़िया गोल गोल शेप में आई है। तो इसी तरीके से हम बाकी अपनी बूंदी को तैयार करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बूंदी को डालेंगे तो उससे पहले जो भी आप यूज़ करें, कद्दूकस यूज़ करें तो वो, और अगर आप दूसरा कोई पूड़ी छाने वाला वो स्पैचुला यूज़ करें तो उसे भी अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से बैटर डालिए, तो बूंदी का शेप कभी भी ख़राब नहीं होगा। और इसको हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर तलना है जब तक कि ये क्रिस्पी और करारी नहीं हो जाती। तो बूंदी अब हमारी अच्छे से करारी हो जाएगी, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी बूंदी को तैयार कर लिया है। यहाँ पर जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है उससे लगभग 1 किलो से भी ज़्यादा बूंदी तैयार हो जाती है। और ये बूंदी आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है सारी मीठी बनाएं,
आप इसे एयरटाइट डब्बे में भर करके स्टोर कर लीजिए और ये महीनों भी ख़राब नहीं होती है। इस तरीके से बना करके आप चाहें तो ऊपर से हल्का सा नमक वगैरह लगा के और ऊपर से चाट मसाला वगैरह लगा के इसको नमकीन तरीके से भी खाया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको प्रसाद के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए मैं इसको शुगर सिरप में डिप करने वाली हूँ। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी करारी खिली खिली बूंदी बन के बिल्कुल तैयार है। चलिए मैंने यहाँ पर जो शुगर सिरप बना के रखा था इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ खोलता हुआ सिरप नहीं चाहिए हमें इसके लिए, हल्का सा गर्माहट होनी चाहिए। उसी टाइम पे हम यहाँ पर ये जो हमारी बूंदी है ये डाल देंगे। और हाँ, बिल्कुल ठंडे सिरप में भी आपको इसे डिप नहीं करना है, वरना जो ये बूंदी है ये बिल्कुल भी शुगर सिरप को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। मैंने यहाँ पर जितनी बूंदी बनाई थी उसमें से लगभग 4 कप के जितनी बूंदी यहाँ पर ऐड की है। सारी बूंदी को मैंने मीठा नहीं किया है, बाकी बूंदी को आप एयरटाइट डब्बे में भर करके स्टोर कर सकते हैं। जब मन करे तब आप शुगर सिरप बना करके इस तरीके से इसको कोट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे 30 मिनट तक के लिए ढक करके रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से सारी ही चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। और देखिए 30 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी तरह से चाशनी को सोख कर चुकी है और एक एक दाना इसका एकदम अभी भी खिला हुआ है, कहीं पर से भी नहीं चिपक रहा है। और आप इसका टेक्सचर तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी बूंदी। तो आप इसी तरीके से गुलदाना घर में बना सकते हैं। हलवाई थोड़े बड़े साइज़ का बनाते हैं पर इस साइज़ में भी बनाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया बनेगी और बिना किसी झारे के, बिना कोई टेंशन के आप इसे फटाफट से बना लीजिए। बहुत इजी रेसिपी है, सारी ट्रिक्स और टिप्स आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल यही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा पूजा की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फेस्टिव फूड रेसिपीज़।